अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शायस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम से इस वक्त मौजूद हूँ एक फार्म हाउस पे जो कि कोहसार पर है। जी नाज़रीन, आज जो है वो ईद के बाद, ईद की काफ़ी मसरूफियात थी, काफ़ी प्रोग्राम्स थे, फिर कुछ जो है वो यू नो आजकल जो है वो इलेक्शंस चल रहे हैं उसके भी कुछ प्रोग्राम्स थे, तो हम लोग काफ़ी बिज़ी थे। तो आज फाइनली हमारे जो CEO हैं उन्होंने सोचा कि एक हमारी अपनी पार्टी होनी चाहिए जो कि बारबेक्यू की तरह जो है वो पार्टी है। तो आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि बारबेक्यू जो है वो तैयार हो रहा है और इसको हम अब मज़े ले लेके खाएंगे और आपको जो है वो अपनी सारी टीम से मिलवाएंगे कि हमारी टीम में कौन कौन काम करता है, तो रहिएगा मेरे साथ। तो हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद टाइम्स के CEO आमिर शेख साहब, उनसे पूछते हैं कि ये पार्टी इतनी डिले क्यों हुई और क्या वजह थी, वॉट एवर जो भी था, लेकिन आज इसको जो है वो बाकायदा सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम इसको ईद की तरह ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये पार्टी इन्होंने कैसे क्या सोच के प्लान की और क्या सोचा इसके बारे में। जी सर। अच्छा देखिए, ये जो मतलब बारबेक्यू पार्टी है, ये डिले तो नहीं कहेंगे क्योंकि मतलब ईद के बाद थोड़ा सा टाइम तो लेता है बंदा के तैयारियाँ करें। फिर हमारे पास दो अदद नौमान है जो इसको मतलब इसको ऑर्गेनाइज उन्होंने किया ना। हमारे पास तो सारे लोग ऐसे थे कि बस हाँ तू ये कर ले तू वो कर ले, लेकिन सलाद बनाना या और जो चीज़ें बनाना वो उनकी जिम्मेदारी थी। गोश्त ख़रीदने से लेकर और जो कुर्बानी का गोश्त फ्रीज करने तक वो भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी थी। तो आज मतलब दो दिन से वो बहुत मुतहरक नज़र आए और उन्होंने फिर वो कर ली, वो जब चाहते हैं वो हो जाती है, ये दो नुमानों के हाथ में होता है ना। काशिफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं, ये भी आज यहाँ पर इस बारबेक्यू पार्टी में जो है वो हमारे साथ हैं, बल्कि ईद मिलन पार्टी भी हम इसे कहेंगे। तो इनसे भी पूछते हैं कि इनके क्या व्यूज़ हैं और इतना डिले क्यों हुआ, क्योंकि हमारे CEO ने तो हमें बता दिया। इनसे भी पूछते हैं। जी काशिफ, कहाँ डिले हुआ है, लोग तो मुहर्रम तक खाते हैं गोश्त, हम तो बहुत जल्दी खा रहे हैं, कोई डिले नहीं है। बस ये कि बारिशें थी और आपको पता है इलेक्शन की गहमा गहमी है। हैदराबाद में जो जो रमादा के बारे में जानता है डेफिनेटली उबैद भाई के बारे में जानते होंगे। इनसे पूछते हैं, इन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, इनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने अपनी ईद कैसे गुजारी और यहाँ आके इनको कैसा महसूस हो रहा है। जी उबैद भाई, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपना डॉक्टर एसन साहब के फार्म हाउस है, अमी भाई ने यहाँ हमें बुलवाया है, खास आज बारबेक्यू की दावत है, तो इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। बारबेक्यू इंतजार कर रहे हैं कि बस बारबेक्यू आए और हम खाना स्टार्ट करें। बिलाल सरवर हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको अपनी पूरी टीम से मिलवाऊंगी जो हमारे साथ काम करते हैं, ये IT में होते हैं। इनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने ईद कैसे मनाई और आज यहाँ पर कैसा फील कर रहे हैं। जी बिलाल, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं हम लोग सारे टीम के साथ और ये कि अच्छा लग रहा है, ओपन एयर में है और बारिशें वगैरह अब कम हो गई हैं, तो ये कि इंजॉय हो रहा है और ईद बहुत अच्छी गुजरी फैमिली के साथ, गेट टुगेदर्स रहे, बारबेक्यूज वगैरह रहे। हमारे साथ इस वक्त जो है वो हैदराबाद ARY के रिपोर्टर नासिर भाई भी मौजूद हैं और नासिर भाई से भी हम पूछेंगे कि इन्होंने अपनी ईद कैसे मनाई और क्या क्या किया ईद पे। जी असल में देखें, ईद तो अपनों के साथ ही होती है और जब से ये सुना, अम्मी के घर के पास का मामला सुना है, तो वो ऐसा लगा कि हर घर घर की कहानी है और हमारे घर की भी यही कहानी है कि ईद का दूसरा दिन जो है वो अम्मी के घर के पास होता है और तीसरा दिन जो है अम्मी की दूसरी बेटी के घर के पास होता है। तो यूं करके कुल मिला के अम्मी के घर के पास, अम्मी के रिश्तेदारों के पास ज़्यादा मामला चलते हैं और सबके चलते हैं। और सच बोल देना चाहिए भाई, अम्मी का घर बड़ा मजबूत होता है, अम्मी के घर के पास हर चीज़ मजबूत होती है। इस वक्त हमारे साथ आज़म शाह साहब भी मौजूद हैं, टाइम TV के साथ जो है वो मुंसलिक हैं, ये भी आज हमारी दावत में हैं और बल्कि हमारी टीम का ही एक हिस्सा है। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी ईद कैसे गुजारी और आज यहाँ आकर ये कैसा महसूस कर रहे हैं। जी बहुत अच्छे तरीके से गुजारी ईद हमने, बहुत अच्छी ज़बरदस्त तरीके से गुजारी, सखर में गुजारी बच्चों के साथ। उसके बाद यहाँ आया तो ये आप लोगों ने इन्वाइट किया, मैं थैंक यू करता हूँ आमिर भाई का, उन्होंने इन्वाइट किया कि हमारे साथ आएँ और ये गैदरिंग करें, ये ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑफिस का एक एसेट है और मेरा ख्याल है इनका जो काम है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो अदनान भाई से पूछते हैं कि उन्होंने अपनी ईद कैसे गुजारी और वो अपने बारे में जो कह रहे हैं वो खुद ही कह दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा कहना बुरा लग रहा है। जी अदनान भाई, कैसी ईद गुजारी? मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, तकरीबन ईद के दो दिन घर में गुजरे, उसके बाद जो है तीसरा दिन जो है वो दोस्तों में गुजरा। ज़ाहिर है पहला दिन तो कुर्बानी में चला गया और दूसरा दिन जो है रिश्तेदारों में, मतलब तकरीबन ईद माशाल्लाह फैमिली में गुजरी, फैमिली के साथ जैसे मैं चाहता हूँ, मसरूफियत की वजह से
नहीं गुजार पाते फैमिली में अच्छे डेज, तो ईद के दिन अच्छे होते हैं तो फैमिली में गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा विवस, अदनान भाई के घर जो है वो पहली औलाद बेटा भी पैदा हुआ है और अर्श नाम है उसका, तो हम उसकी भी मुबारकबाद देंगे और आपकी तरफ से भी देंगे और इनसे भी पूछेंगे कि फ़ादर बनने के बाद इनकी क्या फीलिंग्स हैं। फ़ादर बनने के बाद फ़ादर वाली फीलिंग्स आ गई हैं और अब जैसे खुद से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है घर जाने की टाइमिंग का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वकास, और वकास कुरैशी इसको हम जो हर तरह से छेड़ते हैं, वैसे ये हाशमी है और काफ़ी काम करते हैं, हमारे स्क्रिप्ट्स काफ़ी लिखते हैं ये, इनसे पूछते हैं बहुत ही बच्चों की तरह झूला झूला रहे हैं, मुझे भी झूला रहे हैं, चक्कर भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कि इन्होंने ईद कैसे गुजारे। जी वकास मैम, ईद का तो सवाल बाद में होगा, पहले मैं आपको नाम थोड़ा सही कर लें। सैयद मोहम्मद वक्कास कादरी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, दामतुम बरकातुम आलिया। इतना देखिए व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बता दूं, इसका पूरा नाम मुझे याद नहीं होता, मैं इसको वक्कास कुरैशी कहती हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजीम, बहुत ही अच्छे हमारे जो हैं वो कैमरामैन हैं, और अभी भी आपने देखा ही होगा इनका स्टाइल, अभी भी मेरे अभी भी उन्होंने मेरी तस्वीर बनाई है, पता नहीं कैसी आई होगी। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे ईद गुजारी। जी ईद कैसे सो के गुजारी है, बस नमाज वमाज पढ़ कर आए, सो गए जाके बस घर पे। कोई कुर्बानी, कोई खाना, कोई शाना? दिन असल में दूसरे दिन करते हैं, पहले दिन जो था ना उस हम बिल्कुल नॉर्मली जैसे लोग जो गुजारते हैं ना, बिल्कुल सुकून से जाते कि जाके सोते हैं, बस इस तरह से गुजारी है। नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहादत अली, और ये नॉन लीनियर एडिटर हैं, बहुत ही जाफिशानी से अपना काम करते हैं। आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं तो मैंने सोचा कि मैं सबका इंट्रो आपके साथ करवाती जाऊँ कि हम किस तरह काम करते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी ईद कैसे मनाई और आज इस फार्म हाउस पर इनको कैसा लग रहा है। जी बहुत अच्छी ईद गुजारी माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया, और सर ने हमें सरप्राइज़ दिया अचानक से फार्म हाउस, तो और भी मज़ा आ गया। फी हैं हमारी टीम मेंबर हैं और एडिटर हैं, और इनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने अपनी ईद कैसे गुजारी। जी ईद तो पहला दिन तो सोकर ही गुजरी, फिर रात को हम लोग घूमने के लिए गए थे, मतलब सो सो के इन्जॉयमेंट हुई है। ये सो सो के कौन सी इन्जॉयमेंट होती है? मतलब पूरे दिन सोना, रात में जाके इन्जॉयमेंट करना बस। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर राहू, इस वक्त भी ये हर वक्त मोबाइल पे मौजूद होते हैं, वैसे सारा टाइम इनका मोबाइल पे ही जो है वो गुजरता है, प्रोडक्शन डायरेक्टर हैं। इनसे पूछते हैं इन्होंने ईद कैसे गुजारी। जी सर, सबसे पहले तो हैदराबाद टाइम्स की तरफ से और मैडम बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता, आप ईद पे इस मौके पे, ये हमारी फैमिली है समझो, फैमिली का प्रोडक्शन का प्रोग्राम फैमिली, आज यहाँ पे हम आए सेलिब्रेट करने के लिए। मैं स्पेशली थैंक्स आपको कहूँगा कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे पास आइए, तमाम दोस्तों के कमेंट्स ले रही है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, देख ही रहे हैं कि ये शहीर है, वो उमर है, और ये जो है वो क्रिकेट खेल के इस वक्त इतने मतलब भूखे भी हैं और नींद भी आ रही है इनको, तो यही लेट पड़ रही है। जी कैसा लग रहा है शहीर? बहुत थक गए फिलहाल तो, बहुत भूख लग रही है अभी, इंशाल्लाह खाने के बाद बात करेंगे। व्यूअर्स अनीक मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त, और ये भी एक बहुत बड़ा एसेट है एक तरह से, और ये अदनान भाई के साथ ही होते हैं और उन्हीं के साथ काम करते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी ईद कैसे गुजारी। वैसे मुझे तो पता है लेकिन आप लोगों को ये खुद ही बताएंगे। जी अनीक, बस ईद कैसे गुजारी, ज़्यादातर ऑफिस में रेंडर्स वगैरह देख के, और उसके अलावा ऑफिस में थोड़े बहुत काम, फिर रात में तकरीबन दोस्त यारों के साथ बैठ के फिर लेट नाइट सो जाना, फिर सुबह लेट नाइट उठना मतलब सुबह बहुत देर से उठना 12-1-2 बजे तक। इस वक्त हमारे साथ नहीं मौजूद हैं, आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, कुछ भी हो, हमारी जो जितनी भी ड्राइविंग्स होती हैं वो इनके ज़िम्मे होती हैं, और कहीं भी जाना हो हमादन गोश रहते हैं और तैयार रहते हैं हर वक्त। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी ईद कैसे गुजारी और कहां पर गुजारी और इन्जॉय किया या नहीं किया। जी नहीं, ईद यहीं गुजारी है, अच्छी करी है ईद भी, अब भी सही है, यहाँ आए हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, सारे साथ हैं। ईद पर भी ड्राइविंग्स की नहीं? ईद पर नहीं की, ईद पर बचत है 3 दिन, ईद पर 3 दिन छुट्टी होती है। अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे कैमरामैन भी हैं, कैमरामैन तो सारे ही मेरे साथ चलते हैं, और अजीम भी जो है वो मेरे साथ चलते हैं, एक और हैं वो मिसिंग है इस वक्त, मिसिंग पर्सन्स में वो नहीं आए हैं, और अहमद से पूछते हैं कि उनको यहाँ आकर कैसा लग रहा है, और हमारे साथ हमजा भी मौजूद है, हमजा से भी पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। जी
अच्छा लग रहा काफ़ी यहाँ आकर, और ऐसा कि सर ने सरप्राइज़ दिया एक तरीके से बारबेक्यू का के भाई बारबेक्यू है, मतलब फिर आज का प्रोग्राम जो था वो सबके लिए इन्जॉयमेंट का था पर हमारे लिए आज का दिन भी काम का था। मैंने आज भी रिकॉर्डिंग वगैरह की आपके साथ, आप खुद देख रही थी, बाकी ये हैं जो जिस नहीं हमने तो काम किया ही नहीं, तो आपने भी काम किया, मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, आपने भी काम किया, हमने भी आपके साथ काम किया है, कर रहे हैं काम इंशाल्लाह और आगे करते रहेंगे इसके लिए। जी मैम आज बहुत खुशी की बात है, सर आमिर ने बहुत टीम को टाइम दिया, बड़ी मुश्किलों से टाइम मिलता है, सर को भी टाइम मिलता है कि सर को 2 घंटे भी मिल जाएं किसी के लिए बैठने के लिए, बड़ा मुश्किल का टाइम होता है, मगर आज इंजॉय के लिए सर ने एक गेट टुगेदर रखी, बहुत अच्छी बात है ये। व्यूवर्स नासिर मौजूद है हमारे साथ इस वक्त, ये भी हमारे टीम का हिस्सा अभी बने हैं और बहुत हम सब लोगों के साथ अटैच भी हो गए हैं, तो इनसे पूछ रहे हैं कि ये यहाँ की कैसा फील कर रहे हैं। जी नासिर अच्छा लग रहा है 99 की टीम के साथ अब यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। जी व्यूवर्स जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बारबेक्यू जो है वो तैयार हो चुका है और सब जो है वो टूट पड़ो मुसलमानों की तरह जो है वो टूटे हुए हैं और हमें भी भूख लग रही है। अब इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट टाइम फिर किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे। कैमरामैन अहमद रज़ा के साथ शायस्ता सुरहो, हैदराबाद टाइम्स।